बता दें, सिंधिया के रोड शो पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से आधे घंटे में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 2:30 बजे के करीब फिर से याचिका पर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 3 दिवसीय ग्वालियर दौरा से शुरू है और जिसके चलते लगातार रोड पर जो है पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं और इस रोड शो को लेकर हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से आधे घंटे के अंदर ही जवाब मांगा है। 2:30 बजे फिर से इस याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें, भाजपा और सिंधिया समर्थक 400 जगहों पर जो है इनका स्वागत करेंगे सिंधिया का। वहीं सिंधिया 50 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे, लेकिन इस पर अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने राज्य सरकार से आधे घंटे में जवाब मांगा है इस रोड शो को लेकर। आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई जो है फिर से 2:30 बजे होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जो याचिका लगाई गई थी वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने को लेकर समारोह पर रोक लगाने के लिए की गई थी।